Assalamu alaikum, welcome to Azeem Yoga. This is me Azeem, I am your fitness friend. तो जो आज हम sequence करने जा रहे हैं वो बिल्कुल beginners के लिए हैं. If you are new to the yoga and you want to practice and you want to learn yoga, so this is the best sequence for you. आप इसको morning में perform कर सकते हैं, you will have the energized day. आप इसको hectic day के बाद before sleep भी perform कर सकते हैं. इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू आर अवेलेबल, तो आप अपना मैट लेके आएं और हम योगा को प्रैक्टिस करते हैं. हम जो है वो मैट के फॉरवर्ड आ जाएंगे, आगे की तरफ आ जाएंगे. ठीक हो गया, हमने माउंटेन पोजीशन को परफॉर्म करना है. जो हमारे फीट हैं वो हिप विड्थ के अकॉर्डिंगली होंगे. जो नी मसल्स हैं दैट शुड बी नॉर्मल, नॉट टू टक, नॉट टू लूज. थोड़ा सा हमने पेल्विक को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, कमर स्ट्रेट, शोल्डर्स कैसे रोटेट किया और पीछे की तरफ हिस्से लिया, बिल्कुल रिलैक्स. नेक आपकी बिल्कुल रिलैक्स होगी और इस पोजीशन में हमने लंबे गहरे सांस लेने हैं. 4 से 5 लंबे गहरे सांस आप मेरे साथ लें. नाक से इनहेल करेंगे, बैली को बाहर की तरफ पुश करेंगे. ब्रीथ आउट करते हुए बैली नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी. वेरी नाइस. आपने बिल्कुल फेस को रिलैक्स रखना है, प्रेजेंट रखना है. हमने ब्रीद इन करते हुए, जैसे जैसे मैं आपको ब्रीदिंग बताऊंगा, आपने उसको वैसे ही परफॉर्म करना है. ब्रीद इन करते हुए हमने एक्सटेंडेड माउंटेन पोजीशन को परफॉर्म करना है. लेफ्ट अप योर शोल्डर ब्रीड. ब्रीद आउट करते हुए हमने कमर स्ट्रेट रखते हुए और फॉरवर्ड बेंड परफॉर्म करना है. ठीक है, हम थोड़ा सा इसको बेंड कर लेंगे ताकि हमारी कमर स्ट्रेट हो जाए. डीप स्ट्रेच के लिए नीचे की तरफ कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए. ब्रीद इन करते हुए हमने कमर को स्ट्रेट किया. ऑल राइट, और स्टेप बैक लिए इस तरह प्लैंक में. ठीक हो गया, अभी हमने इसको बेसिक परफॉर्म करना है क्योंकि आप बिगिनर्स हैं. तो इसके बाद मैं आपको एडवांस भी बता दूंगा जो विन्यास हम परफॉर्म करने लगे हैं. आपने इसको घुटनों को ज़मीन पर रखा, चिन को ज़मीन पे रखा, इनहेल करते हुए पाँव को अनकर्ल किया और कोबरा पोजीशन में आ गए. ठीक है, कोनियाँ जो है आपकी आपकी जो है बॉडी के साथ लगी हों और आपकी जो है घुटने हैं वो ज़मीन पे अवेलेबल हैं. एक्सहेल करते हुए आपने जो है वो चाइल्ड पोजीशन पे आना है. बाजू स्ट्रेट की, हिप पे आप बैठ गए एंड देन आपने हिप को उठाया ऊपर की तरफ, शोल्डर को आगे की तरफ पुश किया और नीचे की तरफ पुश किया. आपने इसको थोड़ा सा घुटनों को बेंड कर लेना है और नीचे की तरफ मैक्सिमम जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं, ओवर स्ट्रेच नहीं करना. आपने 5 ब्रेथ यहाँ मेरे से परफॉर्म करें. वेरी नाइस, स्लोली स्लोली स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए आपने उसी पोजीशन में आ जाओ. ठीक है जी, एक्सहेल करते हुए आप इस पोजीशन पे आए, डीप स्ट्रेच. इनहेल करते हुए आपने अपनी कमर को स्ट्रेट किया. अगेन ब्रीद आउट, डीप स्ट्रेच और ब्रीद इन करते हुए आपने अगेन जो है वो एक्सटेंडेड माउंटेन पोजीशन एंड गेट रिलैक्स. ठीक है, इसमें जो हमने विन्यासा जो बेसिक होती है वो परफॉर्म किए, जिसमें हमें कोबरा पोजीशन में हमने घुटनों को ज़मीन पे लगाया हुआ था एंड देन हम अपवर्ड फेसिंग डॉग में आ गए. अब जो परफॉर्म करेंगे वो हम करेंगे जी जो विन्यासा फ्लो एक्चुअल होता है, वो मैं आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा. अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं, लर्न करके इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो चतुरंगा क्या है, प्लैंक में आप आते हैं जी चतुरंगा में, देन अपवर्ड फेसिंग डॉग में एंड देन जो है वो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में. तो हम इसको परफॉर्म करते हैं. सेम आ जाएं जी माउंटेन पोजीशन पे. ठीक है, इनहेल करें, बाजू को उठाते हैं ऊपर की तरफ. एक्सहेल करते हुए हम जो है वो फॉरवर्ड बेंड करते हैं जी, ऐसे कमर स्ट्रेट. इनहेल करते हुए कमर स्ट्रेट करते हैं और स्टेप
ले जाते हैं प्लैंक की तरफ। आपने अपने कोर को एंगेज करके रखना, हिप को आपने नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं करना। अब हम चतुरंग परफॉर्म करें, इसमें करना है मैंने आगे की तरफ अपना वेट शिफ्ट करना है। जो हमारे फोर आर्म्स हैं वो 90 डिग्रीज होनी चाहिए। नीचे की तरफ आया, अब इसको अनकर्ल किया एंड देन अपवर्ड फेसिंग डॉग में आ गए। ठीक है जी, हम पहले कोबरा पोजिशन परफॉर्म कर रहे थे, हमारे जो नी के मसल हैं वो ज़मीन पे थे, अब हमने इसको उठाया हुआ है। ठीक है, कोनियाँ आपकी जो है वो लगी होंगी आपकी बॉडी के साथ, शोल्डर नीचे की तरफ प्रेस किए होंगे। अब एक्सहेल करते हुए हमने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाना है। हमने शोल्डर्स को जो है ना पुश अवे एंड देन पुश डाउन, हिप को ऊपर की तरफ मैक्सिमम पुश करना है, नीचे एड़ियां जो है वो ज़मीन पे लगाने की कोशिश करनी है। पांच ब्रेथ मेरे साथ इस पोजीशन में आप लें। और हम जो है वो उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जिस पोजीशन पे हम पहले थे। एक्सहेल करते हुए हमने डीप स्ट्रेच दिया नीचे की तरफ, इनहेल करते हुए हमने कमर को स्ट्रेट किया, हाफ फॉरवर्ड फोर, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करते हुए हमने जो है वो एक्सटेंडेड माउंटेन पोजीशन एंड गेट रिलैक्स। तो ये सन प्रैक्टिस ए है जिसको मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया, बेसिक विन्यासा के साथ भी और एडवांस के साथ भी। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो जो फर्स्ट में हमने बेसिक विन्यासा इसमें इन्वॉल्व किया था, आप उसको प्रैक्टिस करें। आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी चाहें इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट में आप जो है इसको फोर टाइम्स से स्टार्ट करें एंड देन ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यू विल सी कि अगर आप इसको आफ्टर हेक्टिक डे परफॉर्म करते हैं बिफोर स्लीप, तो आपको बड़ी साउंड स्लीप आएगी और उसके बाद जो मॉर्निंग में आप उठेंगे सो यू विल हैव फुल एनर्जी, आप बिल्कुल जो है वो फ्रेश उठेंगे। तो आई एम श्योर दैट यू डू लाइक द वीडियो, इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि नॉर्मल योगा की वीडियोज़ होती हैं, ये कोशिश किया करें उस टाइम आप लगा कर इसको परफॉर्म किया करें जब आप परफॉर्म कर सकें। ठीक है, दिस इज़ समथिंग नॉट टू गेट द नॉलेज, इट्स समथिंग टू प्रैक्टिस टू एक्सपीरियंस। तो जब भी आप अवेलेबल हों get your mat and practice it with me the way I do, so then you will see, then you will have a different experience. Apna bahut sara khayal rakhiyega, video dekhne ka bahut shukriya, Allah Hafiz.